कई युगों से हमारे पूर्वज इस धरती पर सुख शांति से जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन एक दिन अघोरी देश से वेताल जाति के कुछ असुरों ने हमारे देश पर हमला बोल दिया और हमारे सभी इलाकों पर कब्जा कर लिया। वेताल जाति के लोगों की ताकत साधारण मनुष्यों की ताकत से कई गुना ज्यादा थी। उनकी आंखें नीले रंग की होती थी, क्रोध आने पर उनके दो दांत लंबे हो जाते थे। वेताल लोग जहां रहते थे उस जगह का नाम वेताल देश पड़ा। ये देश अब 56 गांवों के ऊपर राज करने लगा था। उनका राजा एक विशाल अभेद्य किले में रहता था। बिना उनकी आज्ञा के यमराज भी उसमें प्रवेश नहीं कर सकता था। किले में महाराजा अपनी बेटी राजकुमारी यमन रानी के साथ रहते थे। नेक दिल राजा अपनी प्रजा की भलाई के लिए ही सोचते रहते थे। पूरे राज्य में सुख और समृद्धि फैली हुई थी। राजकुमारी यमन रानी के पास कई सारी जादुई शक्तियां थी। जब वो किसी बेबस असहाय इंसान पर जुल्म होता हुआ देखती तो उनके क्रोध का ज्वालामुखी दहक उठता। वो अपनी जादुई शक्ति से अन्याय करने वाले को मौत से भी बदतर सजा देती थी। राजकुमारी की शादी एक वेताल से हुई थी, जिससे उन्हें एक प्यारी सी बेटी हुई। राजकुमारी की ये खुशी भरे दिन किसी सुंदर सपने से कम नहीं थे, जो कि बहुत जल्दी टूटने वाले थे। महाराज ने जल तरंग को अपना दलपति नियुक्त किया। ये पद मिलते ही उसने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। उसने किसी साधु की मदद से एक खूंखार चीते को अपने वश में कर लिया था, जो गांव के लोगों का भक्षण करने लगा। एक खुशहाल देश पर जुल्म और अत्याचार के काले बादल मंडराने लगे। ऐसे में उनकी मदद सिर्फ एक ही इंसान कर सकता था। और तुम्हें मिलेगी मुक्ति। पुली, गांव वालों का रखवाला, एक महान योद्धा, अस्त्र शस्त्र की सभी विद्याओं में निपुण, 100 दुश्मनों को अकेला मार गिराने वाला एक फौलाद था। पुली के नाम से ही दुश्मन थरथरा कर कांपने लगते थे। पुली कोई और नहीं बल्कि महाराजा के मुंह बोले भाई का बेटा था।
पुली राजमहल के ऐशो आराम को छोड़कर गांव के लोगों के साथ रहता था ताकि उनकी भलाई के लिए काम कर सके। इस समय पुली के जीवन में बहुत बड़ी खुशी आने वाली थी। उसकी पत्नी पुष्पा बहुत जल्द माँ बनने वाली थी। आज इन 56 गांवों को अगर कोई बचा सकता था तो वो सिर्फ पुली था। बोली माँ जी, हमारे वीरों को ही वो क्यों इस तरह बांध के बुरी तरह मार रहे? तुम लोगों की गलती है या फिर राजघराने की? वो जो नया बना है दलपति, उसी जल तरंग की वजह से बेटा, पूरे 56 गांव है यहाँ आसपास। यहाँ सालों से दो पूजा होती आ रही है, एक तो बीज बोते वक्त होने वाली उत्तर पूजा और दूसरी फसल काटते वक्त होने वाली पाद पूजा। पर इस शैतान जल तरंग के आने के बाद पाद पूजा ही नहीं हुई। अब परसों पाद पूजा करनी है, लेकिन नहीं होगी बेटा। होगी माँ, परसों के दिन विंध्यनगर में पाद पूजा होगी। मैं तब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। ये पुलीवीर नाम कमाने के लिए पैदा नहीं हुआ है, अपनी जनता की सुरक्षा के लिए पैदा हुआ है। महाराजा और राजकुमारी जल तरंग के खौफनाक इरादों से एकदम अनजान थे। पुली ने एक संदेशवाहक के जरिए उन्हें सच्चाई बताने की कोशिश की कि किस तरह वेतालों की सेना गांव वालों पर जुल्म कर रही थी। इस खबर से महाराज और राजकुमारी परेशान हो गए। जल तरंग सावधान हो गया। उसे डर लगने लगा कि कहीं पुली उसकी सच्चाई को महाराज के सामने उजागर न कर दे। उसी दिन जल तरंग अपने गुरु कुडवरी नामक दुष्ट मुनि से मिलने गया। उन्होंने उसे एक शक्तियों से भरी अंगूठी दी और कहा, तुमने मुझे जो राजकुमारी यमन रानी का बाल ला कर दिया था, उस पर जादू टोना करके शमशान में तप करके मैंने पूरी शक्ति से यह अंगूठी बनाई है। उस गुरु की दी हुई अंगूठी को दबाने से हरा धुआं बाहर आकर फैलने लगा। वो धुआं आहिस्ता आहिस्ता राजकुमारी की तरफ बढ़ने लगा और जिस तरह शैतानी आत्मा किसी के शरीर में प्रवेश करके उसे वश में कर लेती है, उसी तरह उस धुएं के जरिए राजकुमारी हमेशा के लिए जल तरंग के वश में हो गई। जल तरंग ने अपने काले चीते से राजकुमारी के पति को मार दिया। राजकुमारी ने इसे एक बुरा हादसा समझकर चीते को ही जिम्मेदार माना। सम्मोहन में कैद राजकुमारी की आड़ लेकर जल तरंग ने महाराज को कारागार में कैद करवा दिया। अब राजमहल उसकी मुट्ठी में था। विंध्यनगर में पूजा पाठ बड़ी धूमधाम से हो रही थी और तभी बच्चे को बचाने वाले पक्षी दरअसल मनुष्य ही थे जिन्हें कुडवरी मुनि ने शाप दिया था। वो जानते थे कि एक दिन पुली का बेटा ही उन्हें इस शाप से मुक्ति दिलवाएगा, इसलिए उन्होंने उस बच्चे को अपने अंडे के साथ नदी में छोड़ दिया। राजकुमारी यमन रानी खुद ही मुकुट पहनकर रानी बन गई, लेकिन असलियत में हुक्म तो जल तरंग का ही चलता था और ऐसे में अगर जल तरंग उसके साथ संबंध बना पाए तो वो दुनिया की सारी काली शक्तियों का अकेला मालिक बन जाएगा। वो मौत पर विजय पाकर अमर हो जाएगा और दुनिया पर युगों युगों तक राज करेगा। चारों ओर निराशा का माहौल था। जल तरंग की वजह से लोगों का सुख चैन चला गया। ऐसे में वेम्बुनाथ नाम का गांववासी अपने गांव को इस मुश्किल से निकालने के लिए दिन रात कोशिश कर रहा था। एक दिन जब वो नदी के घाट पर कपड़े धो रहा था, उसे एक आवाज सुनाई दी। वो बच्चा कोई और नहीं, पुली का ही बेटा था। वेम्बुनाथ उसे अपने गांव के एक आचार्य के पास लेकर गया। ये बच्चा पैदा होने के समय से ही मुसीबत में है। ठीक है, इस जड़ी बूटी में से हर दिन एक एक पत्ता देते रहो। अगर एक दिन भी भूल जाओगे तो आपत्ति आ जाएगी, संभल के। आज से मेरी बेटी को मिला के 3 बच्चे हो गए मेरे। बच्चे का नाम मगधीरा और बोलने वाले पक्षी का नाम सुरा रख के वो उन्हें पालने लगा। पिताजी, गांव में सब लोग वेताल वेताल कह के डर रहे हैं ना, आज तक किसी ने उनका सामना करने की हिम्मत क्यों नहीं की पिताजी? बड़ा हो गया ना, अब तक डरता रहता था, जब असलियत पता चली तो सवाल करने लगा क्यों। बताता हूँ। आ!
पास जो कुछ भी बचा खुचा धान और नगद है उसे भी आपके आदमी जबरदस्ती मारपीट करके ले जाते हैं। हम जानते हैं आप इस सब से अनजान हैं। इन सब के पीछे हमारी प्रजा को सताने वाला आपका दलपति जल तरंग ही है। हमारी रक्षा करना और हम लोगों का साथ देना आपका कर्तव्य है ना रानी माँ? आप भी बोलिए। वेम्बुनाथ को जिंदा छोड़ने का कारण यही था कि जब भी लोग उसके कटे हुए हाथ को देखेंगे तो वेताल लोगों से मुकाबला करने की हिम्मत नहीं करेंगे। एक बार जब वाग्य नगर के लोगों ने कर नहीं भरा तो वेताल लोग अचानक गांव में आ गए। ये लीजिए कर। मैंने ही मारा है। अगर हमारी पवल मल्लिक को कुछ हो जाता तो इस डर से मैंने ही मारा था। गांव के मुखिया चिन्न वर्मा ने पवन मल्ली को पढ़ाई के लिए बगल के देश में अपने मामा के यहां भेज दिया। वेताल के लोगों का सामना कर सकता है। सरकार हमें माफ कर देती है। कहां आप, कहां हम? आप बेताल हैं और हम पाताल हैं। इस बार अगर आप बड़ा दिल रख के हमें माफ कर देंगे सरकार, तो अगली बार हम लंबी कतार में खड़े होके आपका पूरा कर चुका देंगे। मगर धीरा, हमें जो कर भरना है ये रहा।
मगधीरा को बीच में रखकर किसी भी तरह इस बार तो तुम लोग बच गए, क्योंकि इसने मेरे पैर पकड़कर मुझे रोक लिया। लेकिन आइंदा कर भरने में अगर कोई चालाकी दिखाई तो मैं तुम लोगों की समाधि बना दूंगा। सरकार आपका नाम? विदारी। बड़े भाई विदारी, हमें माफी दे ले विदाई। हमारे जिंदाबाद बोलो भाई। जिंदाबाद। जिंदाबाद। भाई विदारी, हमें माफी दे ले विदाई। जिंदाबाद। खाने खाया बकरी गोश्त, पंडित जी के पूरी छोले मार। खाने खाया बकरी गोश्त, पंडित जी के पूरी छोले मार। अरे सुनो, अरे सुनो विदारी, हमें माफ करके वो कब के चले गए मगधीरा? क्या क्या? ओ मगधीरा, पूरा गांव तुम्हारी बहादुरी देखकर आश्चर्य चकित हो गया है। जो झुकता है वो गरजता भी है। आज पैर पकड़े, कल गला पकड़ोगे, ये हो के रहेगा, याद रखना। आपका आशीर्वाद होना चाहिए। एक छोटी सी मदद चाहिए। हमारे गांव में जब कोई आता है तो तुम्हें उसे सुरक्षित लेकर आते हो। कल यहाँ महापूजा है, दिन भी बहुत अच्छा है। मेरी बेटी पवल मल्ली पढ़ाई पूरी करके गांव वापस आ रही है। कल सुबह सुबह तुम नदी किनारे जाके मेरी बेटी को लेके आ सकते हो बेटा? ये भी मेरा ही कर्तव्य है, यही कहने वाला है ना भाई? क्यों भाई मगधीरा, पवल वाली गोरी होगी या काली? अरे हरी होगी, चुपचाप चलो। इन सब में पवल मल्ली को कैसे पहचानेंगे? कहाँ है मेरी तारक मंगला? पानी में भी नहीं है, किनारे पे भी नहीं है, शायद आसमान से उतर के आएगी। दिखने में तो बहुत सुंदर है, इसको बनाने वाला कौन है? मैं हूँ बलमा, आपकी होने वाली तारिका। तुम तारक नहीं हो, कमल हो। माँ ने कहा था। क्या कहा था? तुम्हारी नाक के नीचे एक मूछ और नाक के ऊपर एक मूछ है। इस पूरी दुनिया में तुम्हारी तरह दो दो मूछ रखने की हिम्मत तुम्हारे सिवा और कौन कर सकता है बलमा? तुम्हें देखते ही मैं पागल हो गया हूँ। उससे पहले ये गंजा हो जाएगा। चल चल भाग यहाँ से। और दोस्त अभी आया, व्यापार कैसा चल रहा भाई? मुझे नहीं आई, इसका मतलब तुम बदली नहीं हो क्या? वैसे मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, भगवान की बनी हुई एक रचना हो और उस पर ये साड़ी। ज्यादा बोलेगा तो मैं तेरा खून कर दूंगा। ठीक है जाने दो। और बताओ गांव में सब कैसा है? सब बहुत अच्छा चल रहा है। कल ही हमारे मगधीरा ने वेतार के पैर पकड़े और उससे विनती की और वाक्यनगर को बचा लिया है ना? क्या, पैर पकड़ के गांव को बचाया? अरे अरे भांडा फोड़ दिया। वाक्यनगर की बेटी हो कहते हुए शर्म आ रही है मुझे। दो रंगी, ये सब बताना बेकार है, ये समझेंगी नहीं। क्यों नहीं समझूंगी, हमारे गाँव में मूछों वाला मर्द नहीं है क्या? अरे भाई मगधीरा, इस घोड़ा गाड़ी को बाईं तरफ से दायां करके पीछे ले लो, वहीं से सब भाग निकलेंगे। ठीक से निशाना लगा के बीच वाले आदमी के पैर पकड़ ले, तभी बचेंगे। ये ठीक कह रहा है, पहले यहाँ से बच के निकलने के बारे में सोचो। Ah!
बकरे और शेर की कहानी में तू शेर है, ये साबित कर दिया तूने मगधीरा। बाप रे, सबको मार के भगा दिया। इतनी ताकत है तुझमें, फिर कल क्यों तूने उसके पैर पकड़े? पवन मल्ली के लिए चाहे पूरी फौज ही क्यों ना जाए, मार मार के खत्म कर दूंगा। लेकिन वहाँ गांव में सब लोग हमारे भरोसे बैठे हैं, थोड़ा बहुत तो झुकना ही पड़ता है। वीरता का दूसरा नाम है सहन शक्ति, उसको अगर कोई डरपोक का नाम देता है तो मैं क्या कर सकता हूँ। अब बात यह है कि भाग्यनगर की बेटी होने पर शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, मूछों वाले आदमी वहाँ भी है। अब चलो ना यार, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई तारिका, अब हमारी शादी की तैयारियां बड़े जोश में करेंगे और सब कुछ झटपट निपटा लेंगे। माँ, अच्छी हो माँ। पिताजी, माँ रास्ते में बड़ी मुसीबत आई लेकिन मगधीरा ने हमें बचा लिया। हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं बेटा। ये तो मेरा कर्तव्य है। आप पिताजी। क्यों भाई, क्या हुआ? अरे कुछ बोलोगे? हमें बिल्कुल भरोसा ही नहीं हो रहा है। आपके भेजे गए वेताल लोग सच्चे वेताल से भी बढ़कर निकले। हुई ना बात। क्या अभिनय किया, क्या अभिनय किया, क्या युद्ध किया, यहाँ से वहाँ उड़ रहे थे। गधीरा, तुझे लड़ते हुए देखकर तेरी दिलेरी पर पवन मल्ली तुझसे प्यार करने लगी होगी ना? प्यार तो करना ही चाहिए। बिल्कुल करेगी, नहीं तो एक और बेताल के साथ लड़ाई की तैयारी कर लेंगे। ये बताओ आगे क्या सोच रहे हैं? उत्तर पूजा। प्रणाम मुखिया जी, कैसे हैं आप? हाँ, मैं ठीक हूँ बेटा। वैसे आज ठंड बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, इसीलिए तो इस ठंड का मजा लेने के लिए। मैं कुछ समझा नहीं। कुछ नहीं, बस आपकी बेटी को लेकर पहाड़ी पे मैं जाने की सोच रहा हूँ। ये कैसा मजाक है? मजाक? मौसम अच्छा है, खेलने की सोच रहा हूँ। बचपन की बात कुछ और थी, अब वो बड़ी हो गई है। मल्ली, चलोगी क्या? बस ऐसे ही घूम के आते हैं थोड़ा। सुनो बेटा, अब तुम जाओ यहाँ से, समय बर्बाद मत करो। मेरी बेटी हद पार करके एक कदम भी बाहर नहीं रखेगी, समझे तुम? ओ सुनिए, उधर देखिए ना। क्या है ये? अब पिता की बात का क्या मान रह गया? मैंने कब पिताजी की बात टाली है माँ? तभी तो दरवाजे से एक कदम आगे नहीं बढ़ाया, पीछे से आई हूँ। चलू माँ। पवन मल्ली। कल आपने कैसे पहचाना कि मैं ही पवन मल्ली हूँ? तुम्हारी आंखों से। बचपन में जब मेरी बहन मरी थी, इन्हीं आंखों ने आंसू बहाए थे मेरे लिए। कुछ तो है इन आंखों में, कुछ अलग। मेरे पिताजी उस टेढ़े कुमार के साथ मेरी शादी करने की जल्दबाजी कर रहे हैं। जब तुम परदेश में थी तब से तुम मेरे दिल में हो, अब तुम्हें कैसे किसी के साथ शादी करके जाना। Thank you.
भैया, एक खुशखबरी है। पिछले दिनों में शायद मैंने कुछ पुण्य किए होंगे। तारक मंगल से मेरी शादी पक्की हो गई है। अचानक कैसे? दूल्हे बनने वाले हो, पूरा चेहरा खिल गया। और एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा, तुम्हें मेरी शादी सामने खड़े रह के करवानी पड़ेगी। धूमधाम से करेंगे। और मेरी सुहागरात? अरे वो सब मेरे सामने मत करना, बेकार। अरे जल्दीबाजी मत करो यार। वो क्या है कि तुम अभी जवान हो, अपने होने वाली बीवी को किस तरह खुश रखोगे, ऐसे विचार तो तुम्हारे दिमाग में उछल कूद करते ही रहते होंगे ना। उनमें से तीन बातें इस भाई को भी बता दोगे तो सीधा तारक के पास जाऊंगा, अपना काम बना लूंगा मजे से। नहीं बताओगे तो एक सीधी बात पूछूं क्या तुमसे? हाँ पूछो। सुहागरात में खासकर दूध और फल की जरूरत पड़ती है ना? क्यों भाई हंस रहे हो? फल और दूध तो चाहिए, क्योंकि तुम्हारे अंदर ताकत होनी चाहिए। मैंने तारक मंगल को अपना बना ही लिया है। मेरी कमल की फूल, इस सुहागरात के लिए कितनी रातों से इंतजार कर रहा हूँ। तारा बलमा, तुम्हारी सुहागरात में मैं टपक पड़ाऊँ कैसा लगा? ए, तू तो बहुत ही बेशरम है। तुझे कितनी बार कहा इसे बहना नहीं बुलाना, अगर इसके नजदीक भी दिखाई दिया तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। चल निकल यहाँ से। अबे चल। अरे चल। मेरे तीन बच्चे होने तक अपना ये मुंह मत दिखाना। तू मुझे तो चौथी के बाद आ जाऊं क्या? चल चल। हर बात पे गुस्सा क्यों? दामाजी क्या हुआ? ये सुहागरात वाले कमरे में घुसाया। एक छोटा बच्चा अगर पढ़ाई वाले कमरे में घुस गया और वहाँ कुछ उल्टा सीधा देख के डर गया तो उसके माँ बाप को क्या जवाब दूंगा? बहना मैं चलूं? बहना वापस बताना। ससुर जी आप सासू माँ को लेकर उस तरफ जाइए, मैं आपकी बेटी तारक मंगल के साथ। क्या हो गया जी? एक बिल्ली तो गई है, कोई हाथी थोड़ी गया जो चिल्ला रहे हो। बात नहीं है दामाद जी, सुहागरात के दिन पैरों के बीच में से अगर बिल्ली चली जाती है तो वो बड़ा अपशगुन माना जाता है। ये कोई मामूली बात नहीं है। चलो बेटी। ससुर जी, ससुर जी। ओफो, एक बिल्ली ने रास्ता काट कर मेरी पूरी सुहागरात खराब कर दी। अब मैं क्या करूं हे भगवान। ओहो, बिल्ली जब इनके पैरों के बीच से निकली थी तब शुक्र चौथे स्थान में था, चौथे स्थान में होने वाला मंगल सातवें घर में था। चाहे कुछ भी हो, अब तीन दिन तक सुहागरात नहीं मना सकते। क्या कहा? तीन दिन? अरे माँ बाबू, अब मैं क्या करूँ माँ? सुनिए, कोई और रास्ता नहीं है क्या? मेरा बेटा बहुत जल्दी बचा रहा है। जल्दी ना बचाओ तो क्या करूँ बाबू? तुम यहाँ इतने उछल कूद कर रहे हो तो वहाँ जाकर क्या करोगे? तो मैं बहुत जोरदार करूंगा। ये बात उसे कहनी चाहिए। अरे सुनो ना, हर काम के लिए कोई ना कोई तोड़ होता है, इसके लिए भी कोई तोड़ तो होगा। आप बताइए, मैं झट से पूरा कर दूंगा और अपना काम निकाल लूंगा। इसका तोड़ ही चाहिए ना? नहीं है। दामाद जी, अब तीन दिन के बाद ही सुहागरात होगी, कुएं का पानी कोई चुरा के नहीं ले जाएगा। जरूरत पड़ी तो मैं सिर्फ एक बाल्टी पानी ले सकता हूँ क्या ससुर जी? एक बाल्टी, एक लोटा भी लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अबे हट, काम खराब कर दिया। आसमां हंसने लगा है, बाहों में घसने लगा है, बांसुरी बजने लगी है, कैसी ये परियों की टोली, कैसी ये रंगों की रंगोली, कैसा ये हवा में गीत है, अरे कैसी तेरी मेरी प्रीत है, अरे कैसी मेरी तू मन मीत है, अरे कैसी तेरी मेरी हार है, अरे कैसी तेरी मेरी जीत है।
कच्ची कच्ची तेरी कमर, कच्ची है तेरी कलाई, कच्ची तेरी थोड़ी अकल, कच्ची है इश्क अदाई। इस महान नदी को छूकर प्रणाम करते हुए मैं तुम दोनों को प्यार के बंधन में बांधता हूँ। मगधीरा, ये सब क्या है? अचानक तुम दोनों शादी करके मेरे सामने आ गए? हाँ, ठीक है, ये तो खुशी की बात है। गांव वालों के सामने आज शाम को ही इसके पिता से बात करके बात पक्की कर लेते हैं। हाँ? आपका आशीर्वाद चाहिए हमें। और मगधीरा, अपने नंदन मन के भगवान को 9 फूल चढ़ा के मन्नत पूरी करनी होगी। जैसा आप चाहें। तू आते वक्त रास्ते में 4-5 वेतालों को देखा था। हाँ, तो क्या हो गया? ओहो, वो सचमुच के वेताल ही है। आज से कोई भेष नहीं बदलेगा, तुम्हारे पिताजी ने कहा था। क्या कह रहे हो तुम? मगधीरा, मगधीरा, कुछ वेताल गांव में घुस के सत्यानाश कर रहे हैं, जल्दी आओ। पवल मल्ली को वेताल किले में उठा के ले। इस तरफ ही उठा कर ले गए हैं मगधीरा। मगधीरा, बड़ी कोशिश की और बहू को मैं बचा नहीं पाया। उनको छोड़ना मत बेटा, छोड़ना। मुझे तुम्हें एक रहस्य की बात बतानी है। पहले आप थोड़ा पानी पीजिए। तुम आपको छोड़ के चले गए बाले। सगे बेटे की तरह पाल के खुश रखा मुझे। आपका बेटा बन के मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सका। जो आपने प्यार से मुझसे मांगा, मैं आपको जिंदा रहते भी नहीं दे पाया। आपकी अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर पाया। पिताजी मरने से पहले कोई बात बताने वाले थे, वो कौन सी बात?
क्या किसी को पता है? हमें नहीं पता मगधीरा। सरकार के मरने के बाद अब तुम ही हमें रास्ता दिखा सकते हो। पता नहीं पवल मल्ली को क्यों उठा कर ले गए हैं। गुलामी की जिंदगी जी रहे हम लोगों को और मेरी बेटी को अब तुम ही बचा सकते हो मगधीरा। पहले से ही तुम्हारे पिता भेष बदलने में बहुत माहिर थे। तुम भी अपने पिता की तरह वेताल का भेष बदलकर वेताल किले में जाकर जीत हासिल कर सकते हो बेटा। सुनो मगधीरा, आज से तुम ही हमारी सरकार हो, ये काम तुम ही कर सकते हो। अपने आप पे भरोसा है मुझे, लेकिन हम आम इंसान की शक्तियां सीमित हैं, हम उनसे कैसे जीत पाएंगे? उसके लिए मेरे पास एक रास्ता है। ये दवा, ये कोई साधारण दवा नहीं है। जहां आज तक मनुष्य के कदम नहीं पड़े, वैसे अद्भुत गुफा से निकाले गए जड़ी बूटी का रस है इसमें, और इसको पीने से रक्त की गति बहुत तेज हो जाती है, पूरा बदन फुर्तीला हो जाता है और एक अजब शक्ति का संचार होता है। और इससे जो शक्ति मिलेगी वो शक्ति उन बेतालों की शक्ति के बराबर होगी, और हम भी उनकी तरह हवा में ऊपर उड़ सकेंगे और पूरी शक्ति से लड़ सकेंगे। परंतु एक छोटी सी समस्या है, अभी मैंने जो ये दवा बनाई है इससे कोई 8 निमिष तक ही बेताल बनकर रह सकता है, और अवधि समाप्त होते ही वो साधारण मनुष्य बन जाता है। इसे पी कर देखो। बेताल समझकर उड़ने की कोशिश करो, ये तुम कर सकते हो, ऊपर उड़ सकते हो। उठो, नामुमकिन अगर कुछ है तो वो है कोशिश ना करके देखना। आपने शक्ति की दवा तैयार करके साबित कर दिया कि सब कुछ मुमकिन है। मगधीरा, वेताल किले में घुसना कोई आसान काम नहीं है। उससे पहले तुम्हें मच्छकूटर नाम के एक बुजुर्ग से मिलना होगा, सिर्फ वही वेताल किले के बारे में सारा रहस्य बता सकता है। कहते हैं वो 180 साल का है। 180 साल? एक और बात, उत्तर में कांगनी नाम का एक और वेताल देश है, वहीं से 5 साल में एक बार वैद्य लोग दवा बनाकर किले में ले जाते हैं। वेतालों को बार बार खून की बीमारी होती है जिसके लिए वही दवा काम आती है। इसका क्या कारण है कोई नहीं जानता, लेकिन इस बार 8 साल से वहां कोई नहीं गया। इसलिए तुम लोग एक काम कर सकते हो, कांगनी देश से दवा लेकर आए हो ये कहकर वेताल किले में आसानी से घुस सकते हो। तुम अपनी मदद के लिए किसी को भी साथ ले जा सकते हो। दोरंगी और सामा मेरे साथ चलेंगे। हाँ, क्यों नहीं? इसने तो कहा था मुझे प्यार करना सिखाएगा, लेकिन लगता है अब कल होने वाली मेरी सुहागरात को भी नहीं होने देगा। ठीक है, सब लोग जल्दी जाके सो जाओ, सुबह जल्दी जा उठना है। अब मैं उठूं या ना उठूं क्या फर्क पड़ता है, सुहागरात तो नहीं होगी ना। पता नहीं क्या होने वाला है। Thank you.
नहीं बढ़ रहा है, शायद किसी को देख के डर गया है। क्या देखा होगा इसने? क्या हुआ मगधीरा? गांव के बुजुर्गों ने कहा था ये नजर न आने वाले बोनों का इलाका है, इस पहाड़ी इलाके को हमें जल्द पार करना होगा। नजर आने वाले बोने किस तरफ होंगे? तो अभी चारों तरफ घूम के उन्हें प्रणाम कर लेते हैं। प्रणाम सरकार, प्रणाम भैया जी। मुझे एक संदेह है। क्या? ये नजर आने वाले बोने कपड़े पहनते हैं क्या? बोने हैं, किसी को नजर तो आएंगे नहीं, इसलिए कपड़े उतार के घूमते होंगे। तब तो लड़कियां भी क्या ढूंढ रहे हो? ए बेताल, किसे चालाकी कर रहे हो? राजा के साथ तीर छोड़ो। अब सब लोग तीर छोड़ो। अब मैं अपना निशाना दिखाता हूं। चक्रवर्ती राजा को तो मौका दो। बाप रे, तीर लगा क्या? मैंने जानबूझ कर ही बाजू में दिया। क्या ताली बजाओ। देखो बेहोश। मैं तुरंत पहुंचना है। मुक्ति मुक्ति। अब और इंतजार मत करो, हम बौने लोगों की दुनिया को खत्म करने आए इन बेतालों को और बोलने वाले पक्षी को जहरीले कीड़ों से कटवाकर मार डालने का हुक्म देता हूँ। पापा रुक जाइए। उस बेताल की आंखों को देखकर मुझे नहीं लगता कि वो बुरा आदमी है। उनसे पूछताछ करने के बाद सजा दे सकते हैं ना? घुमाना बंद करो, उन बेतालों का सिर्फ मुंह खोलो। बोनो के राजा जी, हम वेताल नहीं हैं, वेताल के भेष में हम तीनों साधारण मनुष्य हैं। हम वाग्य नगर से आ रहे हैं और मेरी सपनों की रानी पवन मल्ली को वेताल उठा के ले गए हैं। ये कैसा अन्याय है? बस उसे बचाने और अपने गांव की मिट्टी और अपने गांव को बचाने के लिए हम उस वेताल किले को ढूंढने जा रहे हैं। ये बात है। सिपाही, उसके दांत निकाल कर देखो। अच्छा हुआ बेचारों को हमने मारा नहीं। पहले इन तीनों के बंधन खोल दो। शाबाश बेटी, शरीर के मुताबिक ही दिमाग है। कीड़े मकोड़े जैसे हैं और क्या नाच नचा रहे हैं। मैं हूँ बौने लोगों का राजा कॉर्के न्यूटन, और ये है मेरी बीवी फ्लेमिंग सुंदरी, और ये मेरी इकलौती बेटी
आइंस्टीन का माक्षी। बेताल लोग हम बौनों के भी दुश्मन हैं। जब वो सोमरस पीते हैं तो हमें लकड़ियों से चुभो चुभो कर मजे लेकर खाते हैं। राक्षस है वो लोग। हमारी जनसंख्या कम होने का कारण वही लोग हैं। ठीक है, हाँ बोलिए दोस्तों, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? वेताल किले में जाने के लिए रास्ता जानना चाहता हूँ। वो नाम क्या है उनका? मुच्चकोटे। नहीं, मच्छकूड़न। हाँ, वही मच्छकूड़न से पहले मिलना होगा। हम उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। जानते हैं? वो भविष्य बताते हैं। किले के अंदर जाकर बाहर आने का रास्ता उनको छोड़कर और कोई नहीं बता सकता। हाँ बिल्कुल, वही चाहते हैं। उनसे हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है। हाँ, एक काम करता हूँ, हमारे उड़ने वाले दलपति अल्बर्ट को और काट खाने वाले दलपति पीटर को आपके साथ भेजता हूँ। जी आपका शुक्रिया राजा जी। पापा, मैं लड़की हूँ इसलिए आपने मुझे युद्ध में हिस्सा नहीं लेने दिया, लेकिन इन वीरों के साथ मैं युद्ध में जाऊँगी। कृपा करके मुझे अनुमति दीजिए पापा। मेरी बेटी कामाक्षी भी तुम लोगों के साथ जाएगी। हाँ धन्यवाद जी। अल्फा बीटा कामा, जंग जीत कर ही वापस आना। आ गया महाराज। बीटा, यही है उस बुजुर्ग मच्छकुडन का घर। सरकार, सरकार, सरकार। अरे ये क्या, ये घर हिल क्यों रहा है? ऊपर नीचे हो रहा है। प्रणाम जी। सरकार, मैं कोटकर न्यूटन की बेटी कामा हूँ। इनका नाम मगधीरा है। ये मुसीबत में है, आप अगर मदद। मगधीरा, सिर्फ तुम मेरे पास आ जाओ। रास्ता मिलेगा। नाम बदलोगे तो ताकत मिलेगी। अरे जल्दी जल्दी लिखो ना। हाँ हाँ लिखो, जल्दी लिखो। नमन बिस्तर पर किला हमारा, किला हमारा। डर आने पर पेशाब करो। मतलब पेट में गड़बड़ हुई तो लोटा दे के बाहर भेजेगा क्या? सूर्य छुपेगा तो छड़ी तोड़ो। सूर्य छुपेगा, छड़ी तोड़ो। ये सब अगर तुम सही तरीके से करोगे तो जीत की उम्मीद होगी। उम्मीद होगी, जीत होगी, क्या होने वाला? सरकार, दरवाजा बंद कर दिया। इससे अच्छा होता कि ये कछुआ अपना मुंह ना खोलता। दोरंगी, बुद्धू ज्यादा बोलता है तो उसका अर्थ कम निकलता है। बुद्धिशाली कम बोलता है तो उसका अर्थ ज्यादा निकलता है। हाथ हटाओ। कम बोल सकते हैं लेकिन इस पागल जैसे, इस दुनिया में कोई पागलों जैसी बातें करता है क्या? जो देखो मन में। उसके गंदे सर पर थूक भी नहीं दिख रहा है। पिसल कर ऊपर आ रहा है। बक बक करके थुकवा लिया ना। भैया, अब आपका नाम इतिहास में लिखा जाएगा। आज तक भालू का थूकना तो सुना है, पर पहली बार किसी कछुए ने आप पर थूका है। मुझे आप पर गर्व है। आधा पुल बना के पूरे का हिसाब दिखाया।
घपला कर दिया लगता है। ओहो, नरक में जाने का रास्ता लगता है, इसे कैसे पार करेंगे? चिंता की बात तो है भाई, इसे पूरा बना के जाने में कितने साल लग जाएंगे? एक विचार आया है, सूरा हमें उड़ा के ले जाए तो कैसा रहेगा? हमें तो उड़ा के ले जाएगा, लेकिन इन्हें कैसे ले जाएगा? नीचे गिर गए तो अंतिम क्रिया करने के लिए हड्डे भी नहीं बचेंगे। ऐसे डराने के लिए तुम हमारे साथ हो ना? पत्थर डालो रास्ता मिलेगा, पत्थर डालो रास्ता मिलेगा। ये क्या कुछ खरगोश पर कुछ ढूंढ रहा है? पत्थर डालो रास्ता मिलेगा, पत्थर। नाव ग्राहों के चक्कर लगाने जैसे चक्कर लगा रहा है। मगर हीरा को चक्कर लगाते देख हमें भी चक्कर आ रहा है। हैं? अगर मेरी सोच सही है तो इस बड़े से पत्थर को ले जाके उस गड्ढे में डालना है। सकते हो, तुम में ताकत है, उठाओ। ऐसे हाँ, शाबाश शाबाश। मगधीरा, पहले इसे उठाओ, इसके द्वारा हमें रास्ता पता चलेगा। कामा, तुम पुस्तक निकालो। हाँ, देखो देखो देखो। अरे ये देखो, इसमें लिखा है इसकी पीपी बना के फूकेंगे तो हवा निकलेगी। मेरा मुंह मत खुलवाओ। देखो, पीपी बना के फूकने से खरा मेंढक आएगा और हमें रास्ता दिखाएगा। ये क्या भाई, मनुष्य ही रास्ता दिखाता है या मेंढक भी रास्ता दिखाएगा? क्या ही रास्ता मनुष्य दिखाए या मेंढक, क्या फर्क पड़ता है? और जोर से फूको ना भाई। वो देखो, हरे रंग का मेंढक। हरा मेंढक पीपी बजाते ही आ गया। तो हमें घूर रहा है। अरे हाथ को तो, बाप रे। अरे भाई मगधीरा, बिना शर्माए उस मेंढक से रास्ता तुम पूछो भाई। वेताल किले तक हमें कैसे जाना होगा? ए मगधीरा, उसे डरा के भगा मत देना। देखो, यहाँ पर ऐसा लिखा है कि एक हरे मुंह वाला मेंढक आएगा, और अगर कोई ऐसा आदमी जो ब्रह्मचारी हो और एक पत्नी व्रता भी हो, और अगर वो उस मेंढक की पीठ को अपनी जीभ से चाट कर उससे रास्ता पूछेगा तो वो मेंढक उसको रास्ता बताएगा। अरे बाप रे, ये क्या सब लोग मेरी तरफ ही घूर रहे हैं? तारक मंगल से मजा करने का समय आया और ये लोग मुझे इस मेंढक को चाटने के लिए बोल रहे हैं। अब इतना भी मत सोचो, चाटो। क्या है? चाटो भाई। अरे जल्दी चाटो ना। अब चुप कर, ये कोई मंदिर में मिलने वाला पंचामृत है कि जिसे झट से चाट जाऊं? सांप खाने वाला मेंढक है ये। सांप को गुस्सा नहीं आएगा भाई। देर ना करो, जल्दी चाटो। अरे चाटो भाई चाटो। तारका, अरे वो हरे मेंढक, बताओ वेताल किला कहाँ है? ये तो इस तरफ दिखा रहा है। अच्छा, इस दिशा में है क्या? अरे मेंढक ने तो कमाल कर दिया। हे
तू? राजकुमारी के साथ क्या किया तूने? ये राजकुमारी? बता तू कौन है रे? जब राजकुमारी पर चीते ने हमला किया तब इमली तोड़ने गया था क्या? अरे वो दलपति है। काले चीते से मुझे बचाया है। मैं वेताल जिले का दलपति जल तरंग हूँ। बाघों का शिकार करना ही मेरा काम है। तुम लोग? हम उत्तरी हिमालय में जो कांगनी देश है ना, वहां से आ रहे हैं। वेताल है, देखिए हमारी आंखें। मैं उस देश का वैद्यराज हूं। वैसे तो मैं बाघ को पकड़कर उससे दवा बनाता हूं। बाघ को मार कर नहीं, जिंदा बाघ के दूध से। जल तरंग को ही बाघ के दूध की दवा? सिर्फ आपके लिए नहीं, वेताल के लेके सारे समूह के लिए लाया हूं। आगे ये बाघ की दवा कैसे काम करती है बस देखते जाइए। तो फिर मैं ही आज तुम्हें किले में लेकर जाऊंगा। अगर आप हमें नहीं ले जाएंगे तो भी आ ही जाएंगे। पूरी छानबीन कर ली है। बोरी में सिर्फ दवा बनाने की जड़ी बूटियां और बीज हैं। वैद्य को औजार की क्या जरूरत? वहीं रख दो इसे। तुम्हारी शक्ति की दवाई तो उन्होंने ले ली, अब तो हम बिना जहर वाले सांप जैसे हो गए हैं। जब मैदान में उतर ही गए तो जो होगा देखा जाएगा। इतना बड़ा है मगधीरा। तुम हंसते हुए बोलो तो ठीक रहेगा। क्या कह रहे हैं? मौत भी सामने आ जाए तब भी मुंह पे डर नहीं दिखना चाहिए, ऐसा वो कह रहे। तब तो हमें कुछ भी नहीं करेंगे। इधर कौन है? महारानी या जादूगरनी? ये लोग कहां से आए हैं? रानी तुम ही से पूछ रही हैं। वो क्या है कि कांगिनी देश से हम तीनों दवाइयां लेके आए हैं। रानी मैं वैद्यराज हूं, मगधीरा। यहाँ रक्त प्रभावी बीमारी से हर महीने 3 लोग मर रहे हैं। आप इतने आराम से आ रहे हैं? आते वक्त रास्ते में पेट गड़बड़ हो गया था। चुप रहे। राजकुमारी के साथ आते वक्त बाज पहाड़ पर इनसे मिले थे। काले चीते से राजकुमारी को बचाने वाला राजकुमार यही है क्या? सुना है हमने। धन्यवाद। अब क्या हुआ?
इतनी देर से क्यों आए? रानी, हमारे कांगिनी देश में तूफान आया, इसलिए जड़ी बूटियों के पौधे खराब हो गए और हमें देरी हो गई। दवा तैयार करने में आपको कितने दिन लगेंगे? कोई कहानी बना दे भाई। यमन रानी, पहले जड़ी बूटियों को उबाल कर छानना होगा और फिर वापेरी के पत्तों को सुखा कर पीसना होगा। ये सब हम नहीं जानते। दवा हमें कब मिलेगी? वो मैं 3 दिनों में तैयार कर लेंगे। उस दवा से सबकी बीमारी ठीक हो जाएगी, ये साबित कर सकते हो। क्या हुआ, बोलती क्यों बंद हो गई? बिल्कुल बीमारी चली जाएगी, ऐसी दवा बनाएंगे। ठीक है, आप लोग थोड़ी देर आराम करके अपना काम शुरू करना। बहुत बहुत धन्यवाद यमन रानी। इस मुसीबत से हमें कैसे छुटकारा मिलेगा बताओ भाई। हमें खुद ही कुछ करना पड़ेगा। ज्योतिष का क्या कहना है बेटा? दक्षिण से अच्छी खबर आने वाली है, ऐसा ज्योतिष का कहना है। अच्छी खबर? हमारा सूरा है ये तो भाई। अरे यार, ऊपर तो अल्फा बैठा है। मेरी दवा मिल गई। आखिर हमने दवा ढूंढ निकाली ना। शक्ति की दवा देखते ही मेरी जान में जान आ गई भाई। सूरा अल्फा, अरे कुकुदी मत करो, शर्म आती है भाई। कोशिश करके शक्ति की दवा को बदल दो। हमारी जो दवा है उसे कहीं और छुपा के उसकी जगह पानी भर के रख देते। मगधीरा, सूरा और अल्फा जब दोनों दवा लाने के लिए गए थे तो उन्हें वहाँ से खबर मिली है। क्या खबर है? वाग्य नगर से जो वो लड़की उठा के लाए हैं उसकी वो पूजा में बलि देने वाले हैं। पवल मल्ली कहाँ होगी? उस पहाड़ पे जो है वही कारागार लगता है। इस तरह कांपते चलते हुए मुझे तो पूरा किला ही कारागार लग रहा है। इसमें अलग से भी कारागार होगा क्या? बातों से मत डरो मुझे। भैया, महारानी की 4 बेटियां हैं क्या? इनमें से सिर्फ एक ही राजकुमारी है, बाकी तो सब दासियां हैं। दानव रुक क्यों गया? कुछ समझ में नहीं आया। आपने इतने बड़े राक्षस को कैसे रोक लिया? अगर आप जैसी सुंदर लड़की बगल में हो तो बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी हिम्मत आ जाती है। माँ, दवा नीचे है, उसके ऊपर सिर्फ पानी है, ये बताया था ना मैंने तुम्हें। उसे देखते ही दवा पी लो ये कहता रहा मैं तुमसे, और तू ऊपर वाले में से पानी पी के उस दानव के सामने छाती फाड़ कर खड़ा हो गया। हाँ भाई, मैं भी भूल ही गया था। तो मैंने सिर्फ पानी पिया था क्या? और नहीं तो क्या? तो फिर वो मेरे हाथ दिखाते ही रुक कैसे गया? ये तो सिर्फ वो एक आंख वाला ही बता सकता है। नमस्ते राजकुमारी जी,
नमस्ते महावीर जी। अरे कितनी सुंदर है ये, हमारे इलाके में एक भी ऐसी नहीं है। क्या देख रहे हैं आप? मेरे कपड़े पसंद आए? सच कहूं तो मुझे कपड़े पहने हुए नजर ही नहीं आ रहे। क्या कहा? अब तक जो सह रहे हैं वो काफी नहीं है क्या है? आप गलत मत समझिएगा राजकुमारी जी, आपकी सुंदरता ने मेरी आंखों पे पर्दा डाल दिया था, बस यही कहना था। ठीक है, दावत पे आ जाइएगा, चलती हूँ। बेताल किले की यमन रानी के साथ आप भोजन पर आए, हमें बहुत खुशी हुई। भोजन शुरू कीजिए। वहां से सब्जी लेनी होगी तो यहाँ से वहां तक घोड़े पे बैठ के जाना पड़ेगा। अरे वो छोड़ो भाई, हम भी उड़ने के लिए उनकी तरह करें क्या? मेहमानों के साथ मिलकर खुशी बांटना हमारा सांप्रदाय। आओ टकराते हैं उड़ने के लिए। अरे भाई तुम उड़ना चाहते हो तो हमें क्यों नहला रहे हो? यमन रानी से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। 56 गांवों पर राज करना कोई आसान बात नहीं है। हाँ बिल्कुल, मेरी प्रजा है वो और मैं उन्हीं के लिए बनी हूँ। बड़ी खुशी की बात है रानी। तुमने सोचा होगा मैं ऐसा करूंगी? इस बेताल किले में रहने वाले मेरी जाति के लोग ही मेरी प्रजा है। क्या हुआ, चुप क्यों हो गए राजकुमार? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कांगिनी देश में भी हम वेताली मालिक हैं, बाकी साधारण मनुष्य तो हमारे गुलाम है। गुलाम? सही कहा। अगर जो मैं हारा दुनिया मिट जाएगी।
शमशान में डूबा तू है, पास अगर आया हस्ती मिट जाएगी। पेपर बनना चे मुझको, से किस मंगना चे मुझको, न जाने का खयाल न कर। पूरी हुई और दूसरा है नाम बदलोगे तो ताकत मिले। अरे वो तो एक जेब में रखने वाली चीज है, मैं कुछ नहीं जानता, उससे तेरा मेल नहीं हो सकता। मेरी बात मुझे वो चाहिए। यमन बिस्तर पर किला हमारा, यमन के बिस्तर पर सोने से किला हमारा, मतलब यमन रानी के बिस्तर पे सो जाने के बाद, यानी जब वो सो जाएगी ये किला हमारा हो जाएगा। हरे रंग के मेंढक राज, ये कैसा अन्याय है। इससे तो अच्छा होता कि मैं बेताल के हाथ ही लग जाता। पुदीने की चटनी समझकर चाट लो ना भैया। अरे मेंढक जी, पवल मल्ली कहाँ है। ये क्या ऊपर की तरफ दिखा रहा है। ओहो, पवल मल्ली बेचारी ऊपर चली गई क्या। अरे वो बुद्धू, क्या बोले। किले के ऊपरी भाग में है, कुछ समझा क्या। पूरे हो गए और अभी तक मगधीरा का कोई पता नहीं। किसी मुसीबत में फंस गया होगा। शादी के दिन पंडित जी ने कहा था सब मंगलमय ही होगा। अब तो लगता है मेरी तारक मंगल कभी माँ नहीं बन पाएगी। ओ दोरंगी, मंगला मरेगी तो माँ नहीं बनेगी, लेकिन तेरे मरने के बाद भी वो माँ बन सकती है। चुप कर काला कलूंगा। हाँ ठीक है ठीक है। शुरू से ही तेरी चाल चलन पर मुझे शक था। सच पता कौन है तू, किस मकसद से इस वेताल किले में आया है।
बुद्धे। आठ निमिष पूरे हो गए क्या? कुछ नहीं बस ऐसे मेरे मजाक को तुमने सच मान लिया। मगधीरा एक मारने से ही गिर पड़ा। वो बेताल जाति का है या नहीं मुझे शक हो रहा है। कल सुबह पूरे गांव वालों के सामने उसे बलिपीठ पर ले आइए। दवा दे दी ना। दवा का असर शुरू होते ही मगधीरा जो कमाल करेगा उसे देखना। वैद्य राजकुमार मगधीरा, तुम एक वैताल हो ही नहीं ऐसा शक मुझे हो रहा है। मैं वैताल हूँ या नहीं ये सिर्फ विचार विमर्श से पता नहीं चलेगा, वीरता से ही साबित होगा। भेज कर देखिए अपने वैतालों को। पिघलते बर्फ हो मगधीरा और ये शनि तुम्हें जकड़ ले। प्यार के मामले में पिघलता बर्फ हो, बदले के मामले में शेर पुली। Yeah.
संग्रह, बल तो तेरे शरीर में है लेकिन बुद्धि की कमी है। बस ये बीच के लोग हैं जो मुझ पे संदेह कर रहे हैं। अब बोलिए मुझे किसके साथ लड़के साबित करना है? तुमसे लड़के साबित करूं या तुमसे लड़के साबित करूं? अब बस भी करो ना। बोलिए, मैं किसी से भी लड़ सकता हूं। तुमसे लड़ूं या तुमसे लड़ूं? अरे ये क्या कर रहा है? खत्म हुई कहानी को फिर से शुरू कर रहा है। कोई जो मुझसे लड़ना चाहे हमें साबित करके दिखा सकते हो। गलत नहीं है? बिल्कुल नहीं रानी। अरे जी क्या है? दवा का असर शुरू होके 8 निमिष पूरे हो गए हैं। तब तो हमारा शनि शुरू हो गया। एक वेताल की तरह लड़के तुमने जीत हासिल की। ये पहला पड़ाव था, मगर यहाँ के कानून के मुताबिक तुम्हें पार करनी पड़ेगी अकेले वेताल की परीक्षा। रानी से बात करने में समय बर्बाद हो रहा है। अगर तुम इसमें जीत गए तो मैं बेशक मान लूंगी तुम एक वेताल हो। यही है असली वेताल साबित करने की गुफा। सुरा, ये दवा ले जाकर तुरंत उसे दे। इसमें वेताल एक तरफ से जाकर दूसरी तरफ से आता है। एक वेताल का शरीर ही इस गर्मी को सह सकता है, लेकिन मनुष्य का शरीर इस गर्मी को सह नहीं पाएगा। देखोगे। राजकुमारी मंतागिनी की शादी महावीर मगधीरा के साथ करने का मैंने फैसला किया। मुहूर्त निकाल कर हम ऐलान करेंगे। मगधीरा वेताल परीक्षा में भी बच निकला इससे पहले कि किसी को पता चले। मगधीरा को खत्म करना होगा। वो भयानक दरिंदा कहाँ है? बहुत रो रहे हैं ना? देखो हमारा मगधीरा उठ रहा है। शुक्र है, धीरे धीरे उठ रहा है वो। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि बेताल परीक्षा में मैं मरा क्यों नहीं। मैं क्या जानू। मगधीरा वेताल किले का धोबी तुमसे अकेले में मिलना चाहता है। ये पत्ता तुम्हारे बिस्तर में पीठ की तरफ मिला। ये तो मैं बचपन से खाता आ रहा हूँ। जानते हो ये पत्ता क्या करता है? तुम्हारे शरीर में जो बेताल शक्ति है उसे रोकते हुए बाहर से एक साधारण मनुष्य का रूप देने वाली अद्भुत जड़ी बूटी है। मतलब मैं भी एक बेताल हूँ क्या? बिल्कुल, तुम एक बेताल हो। तुम्हारे पिता कौन है पता है? तो फिर श्राप पाने वाले मनुष्यों में से सुरा भी एक है क्या? इसलिए
वो बोलता है, तुम्हारे माता पिता को काले चीते ने मार दिया ये कह के जल तरंग ने नाटक किया। सत्रह साल से बिना कोई रुकावट के वो बलि पूजा करते आया है और ये 18वां साल है। कल सूर्य ग्रहण है, आखिरी पूजा है। मगधीरा, तुम्हें उस पूजा को किसी भी तरह रोकना होगा। पूजा अगर सफल हुई तो पूरी मानव जाति उसके चंगुल में फंसकर मिट्टी में मिल जाएगी। इसे सिर्फ तुम ही रोक सकते हो बेटा। कहाँ गया मगधीरा, दिखाई नहीं दे रहा। तुम बता के भी नहीं गया। ये क्या बड़े भाई के ऊपर हाथ रख रहे हो तुम? हम फंस गए क्या? वही तो। मैं भयानक दरिंदा। भाई जी, हम तो सिर्फ नाटक के कलाकार ही हैं। असली भेष जिसने बदला है उससे पूछ सकते हो ना तुम? न्याय की बात तो कर। तो समझ में आ गया है, नाम बदलने से ताकत मिलेगी। मतलब हाँ भाई, तुम मगधीरा हो ना, अब बेताल हो गए हो तो ताकत मिल गई है। संकट आने पे पिशाब करो। अरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। संकट आने पर अकेले बेताल परीक्षा में जाओ, इसका यही अर्थ है। मैं गया और जीत गया। सही कह रहे हो। सूर्य के छिपने पर छड़ी को तोड़ो, अब इसका अर्थ क्या है वो भी पता लगा लेंगे। अल्फा बीटा गामा, तुम लोगों को ऊपर रानी के महल में जाना होगा। हाँ हाँ, जीत हमारी होगी। दोरंगी सामा, तुम्हें कारागार में घुसना होगा। किसी भी हाल में मेरे दादाजी को बचाना। ठीक है भैया। सूरा, किले की चारों दिशाओं के विभाग तुम संभालोगे। निश्चित मगधीरा। कल का सूर्योदय प्रजा के जीवन में नई रोशनी लाएगा। मगधीरा जाकर इस धोबी से मिला था, इसे मार मार कर सच उखलवाया मैंने। कैसा सच? हमारे साम्राज्य को और आपको पूरी तरह से जड़ से उखाड़ने के लिए ही कांगनी देश से आया है ये खूंखार मगधीरा। पूजा पूरी कीजिए, उस मगधीरा को मैं मिटाता हूं। Oh,
को ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए। मौत से डर कर सब भागते हैं, वीर को देख कर मौत भी भाग जाती है। उसे तो देखते ही डर लगता है, अगर टपक पड़ा तो। इतना भी खुश मत हो जाओ मगधीरा, इस किले का दलपति तुम्हारे सामने। दलपति सुन, तू सिर्फ इस किले का ही दलपति है, मैं तेरी किस्मत को पलटने के लिए ही यहाँ आया विश्वासी हूं, इसी कारण मुझे भी कारागार में बंदी बनाकर रखा था। अब आप मुझे आदेश दीजिए कि मुझे क्या करना होगा। आका
उसकी सजा मुझे भुगतनी होगी। रानी, रानी रुक जाइए, आपके अंदर का शैतान मिट चुका है। आज से आप प्रजा की भलाई और खुशहाली के लिए राज कर सकती हैं। मेरे कारण ही तुम्हारे परिवार को श्राप मिला था, उसका मैं पश्चाताप कर रहा हूँ। आज से तुम सब खुश हो। रुक जाइए, जल्दबाजी मत कीजिए, अब मेरा जीना बेकार है। देखिए, बेशक आपसे गलती हुई है, लेकिन आपने गलती जानबूझ के नहीं की है। हम सबको आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। हम वेताल जाति के लोगों ने अपने अघोर द्वीप में वापस जाने का निर्णय लिया है। वहां मेरी बेटी मंदाकिनी राज करेगी। मेरे राज की इस वेताल और 56 गांवों को मैं आपको वापस लौटाती हूँ। महारानी, मगधीरा पैदाइशी वेताल जाति का हो सकता है, परंतु उन्हें हमारे पास ही रहने दीजिए उपहार के तौर। जी बिल्कुल, इसीलिए मैं मगधीरा को इस देश का राजा घोषित करती हूँ। महाराज मगधीरा की आप ही के बीच पला बढ़ा हूं। राजा का पद मिलने के बाद भी मैं आप लोगों में से ही एक हूं। प्रजा की भलाई के लिए उठने वाली पहली आवाज हमेशा मेरी ही होगी। यहां सबको सब कुछ मिले, यही मेरा लक्ष्य होगा। आप सबकी खुशी में ही मेरी खुशी है। सामा को कैसे बोना बना दिया? अरे सिर्फ सामा को ही नहीं, अरे सिर्फ उसको ही नहीं, उसके कपड़ों को भी बोना बना दिया है। पूरे 11 बीज और एक जड़, इससे ज्यादा रहस्य नहीं बता सकता। अब तो खुश होना सामा। बहुत बहुत मुबारक हो सामा, तेरी बीवी की गोद भराई रसम पर बुलावा भेजना, मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ आता हूँ। जिंगलिया जिंगलिया मुझे तो कल घर बुला ले, जिंगलिया जिंगलिया मेरा तू दिल खटखटा ले, जिंगलिया जिंगलिया मुझे तो कल घर बुला ले, जिंगलिया जिंगलिया मेरा तू दिल खटखटा ले। कुछ हुआ कैसे, सब हो गया बिना पूछे, बिना पूछे घटी घटना।